नमस्कार। 4 दिन पहले पंजाब नहर में हादसे में जान गंवाने वाले परिवार के साथ मौत का शिकार हुए सीकर के डॉक्टर सतीश पुनिया के रिंगस स्थित बंद पड़े घर में चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोर वहां से कीमती सामान पार करके ले गए। हादसे के बाद ये डॉक्टर पुनिया का मकान बंद पड़ा था और उनके पैतरा गांव में बैठक चल रही थी। इसी बीच चोरों ने मौके का फायदा उठाकर रिंगस स्थित उनके मकान के ताले तोड़कर कीमती सामान पार कर लिया। चोर क्या क्या ले गए इसका अभी तक कोई पता नहीं चल पाए और पुलिस फिलहाल आसपास लगी सीसीटीवी फुटेज खंगालने में जुटी हुई है। पुलिस के अनुसार चोरी की वारदात कब हुई इसका भी अभी तक पूरा पता नहीं चल पाया है। मृतक डॉक्टर सतीश पुनिया के मकान में अज्ञात चोरों ने सेंध लगाई है। उनके रिंगस की रामेश्वर कॉलोनी में स्थित मकान में चोरी की यह वारदात हुई। जांच अधिकारी धन सिंह ने बताया कि डॉक्टर पुनिया के मामा गिरदार सिंह ने पुलिस को चोरी की सूचना दी। इस पर पुलिस ने मौका मुआयना किया लेकिन चोरी हुए सामान की पूरी जानकारी नहीं मिल पाई है। इसके पीछे यह एक बड़ा कारण है कि डॉक्टर पुनिया की परिवार समेत मौत हो चुकी है और फिलहाल पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। बता दें कि सीकर के रहने वाले डॉक्टर सतीश पुनिया पिछले सप्ताह अपने और साले के परिवार के साथ हिमाचल प्रदेश घूमने गए थे। इसमें डॉक्टर पुनिया की पत्नी सरिता, बेटा और बेटी, इसके अलावा साला और उसकी पत्नी और उनकी एक बच्ची शामिल थी। वहां से घूमकर वापस आते समय उनकी कार पंजाब के रूपनगर के गनोली में हादसे का शिकार हो गई थी और ये सभी लोग एक ही कार में सवार थे। कार निजी बस की टक्कर से नहर की रेलिंग तोड़कर उसमें जा गिरी और इस हादसे में डॉक्टर पुनिया समेत 7 लोग मारे गए थे।